मेरा नाम कबीर है और मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करता हूँ। 13 ईयर से कॉरपोरेट में जॉब कर रहा हूँ और अब मैं खुद को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। तो मैंने शुरू किया अपना सबसे पसंदीदा काम जो ट्रेवल है, और मैं इसको एक सीरीज़ में करता रहूँगा। शुरू किया मैंने पहले मेघालय, जो कि मेरा सबसे नियर स्टेट है। तो सुबह सुबह मैं रेडी होके मेरा कार लेके मैं निकल गया घर से, और दो दोस्त मुझे ज्वाइन करेंगे रास्ते में, उनके साथ मुझे ये ट्रेवल कंप्लीट करना है। तो कुछ 8-10 दिन का हो सकता है ये सफ़र, तो बने रहिए मेरे साथ। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम सभी हैरान हैं सिटी की ट्रैफिक जाम और अपने लाइफ की बिजीनेस, मतलब बिजनेस और बिजीनेस दोनों के लेके। तो ऐसे में जब आप कोई भी हिल स्टेशन निकलते हो तो आपको बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिलता है, और इसका एक लाइव एग्जांपल है मेघालय। तो अभी मैं हूँ सोहरा, जो कि नियर टू चेरापूंजी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है जो मन को लुभा जाएगा। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जगह है, थोड़ा डेंजर लगता है उतरने में, ऐसे बिल्कुल डाउन है, लेकिन सामने जो नज़ारा है इसके सामने ये तकलीफ कुछ नहीं है। देख के चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। शायद ही यहाँ पे कोई आता होगा, बिल्कुल सुनसान है। गाइस सच में बताओ ना, अभी मेरे पीछे क्लाउड बिल्कुल उड़ के आ रहा है। पता नहीं मेरा कैमरा इस चीज़ को दिखा पा रहा है या नहीं, मतलब मेरे पीछे जो नीचे वैली है वहां से क्लाउड उड़ के ऊपर की ओर आ रहा है। आज मेरा प्लानिंग यही था कि मेघालय तो बहुत लोग आते हैं और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, चेरापूंजी आते हैं लोग, सेवन सिस्टर फॉल या तो बहुत जगह दिखाते हैं। लेकिन मेरा जो प्लान है कि मैं कम्प्लीटली इस जगह को ऐसा एक्सप्लोर करूं जो कि अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है और आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो अभी शायद मैं ऐसी एक जगह में पहुँचा हूँ। दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं 13 ईयर से कॉरपोरेट में जॉब कर रहा हूँ, मेंटली बहुत थक गया था, तो आज मुझे बहुत ही एक मेंटल थेरेपी मिल रहा है यहाँ पे बैठे हुए, और मन कर रहा है कि यहाँ पे बैठा रहूँ। लेकिन और भी वैली मुझे एक्सप्लोर करना है, देखना है बहुत ही सुंदर सुंदर जगह। तो बने रहिए मेरे साथ मेघालय की इस सीरीज़ में, आगे मैं और भी स्टेट्स घूमता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल मैं यहाँ से निकलूँगा और मुझे जाना है अपने होम स्टे में, जो कि मैंने अपने एक दोस्त से बुकिंग करवाया था। तो अब मैं पहुँच गया अपने होम स्टे में, जो बिल्कुल चेरापूंजी में बहुत ही सुंदर है, और अगला कुछ दिन मैं यहीं पे रुकूँगा। मुझे प्लान करना है अपने टूर को कहाँ कहाँ जाना है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।